हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी ब्लॉग में आज स्वागत है आप सभी का। आज की ब्लॉग स्पेशल है आपके लिए, फिटनेस से संबंधित है, क्योंकि जो मैं ऐसे मेरा जो बॉडी है देख रहे हैं आप लोग, और मैं डेली मॉर्निंग में 10 मिनट तक ये एक्सरसाइज करती हूँ। तो आप लोग भी देखिए और सीखिए और मेरे जैसे फिट एंड फाइन रहिए, ठीक है। चलिए मैं आज शुरू करती हूँ अपनी फिटनेस की, क्योंकि मौसम लाइट रात भर इतनी आई गई हो रही थी, तो मैंने सोचा मैंने लाइट आ नहीं रही तब तक मैं अपना ऊपर छत धोने के लिए आई थी, तो लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा अभी पानी भी नहीं आ रहा तब तक मैं एक्सरसाइज करके आप लोग को दिखा देती हूँ और उसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, और तो चलिए फिर आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ये देखिए, तो सबसे पहले 2 मिनट तक तो आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि ये 2 मिनट पहले करने से बाद में ये जो हाथ पैर दर्द होते हैं ना, तो वो दर्द नहीं होते ऐसा करने से। तो ये करना है आपको ज़रूरी, और 2 मिनट के बाद फिर करेंगे ये अपने, ये जो मेरे दिखा रही हूँ ना, ये जो लूज़ हो जाती हैं आस्तीन में थोड़ी सी आस्तीन मतलब मास, तो इनको टाइट करने के लिए, मतलब लूज नहीं होंगी। तो ऐसे करिएगा 16 बार, और फिर इसमें ये पैर फैला के फिर ये अपने पंजे को छुएंगे हाथ से, इसको भी 16 बार करना है। 16 बार करने के बाद फिर उसके बाद में ये देखते रहिए, करते रहिए, सीखिए, मतलब देख लीजिए आप लोग, अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए मेरी, मतलब जितनी मेरी एज है आप लोग गेस करिएगा कि इस समय मेरी एज कितनी है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं आपको क्लियरली बताऊंगी मेरी एज कितनी है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करती हूँ इससे मेरी एज का पता नहीं चलता आप लोग को। ये देखिए, फिर मैंने कंधे पे रखा जितने बार, मतलब 6 बार इधर, 6 बार अंदर, 6 बार बाहर, और इसके बाद में ये करिए 2 बार इधर, 2 बार इधर, 2 बार इधर, मतलब 6 टाइम करिए इसको, क्योंकि यहाँ से जो हम लोग की साइड की लूज होती है ना मांस, तो वो लूज टाइट हो जाएगा। और ये इसके बाद में थोड़ी देर करेंगे हम ताड़ासन थोड़ा सा, क्योंकि इससे जो मतलब हाइट में, वैसे हाइट तो इस टाइम बढ़नी नहीं है, लेकिन करने से अच्छा होता है योगा ज़रूरी। तो ये योगा है, इसको आप बीच में डालें तो अच्छा है, मतलब मेरी आदत तो पड़ गई है, वेट तो मुझे सब याद है, मतलब इतने साल से कर रहे हैं तो ये आदत पड़ गई मेरी। और उसके बाद में फिर करना है आपको ये, एक अगर लेफ्ट लेग ले रहे हैं तो राइट हैंड से करिए, और राइट लेग लेग मतलब जो भी हो देखिएगा आप लोग, देखते रहिए, ऐसा करिए आप लोग, क्योंकि इससे मतलब मेरा थोड़ा सा बस बैली हल्की सी निकली है और सब पूरा फिट है, पीछे से आप लोग देखेंगे बिल्कुल सही है मेरा, और बल्कि थोड़ा सा बस बैली है, क्योंकि खाने पीने से भी होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा परहेज करती नहीं हूँ खाने में, जो मिलता सब खाती हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा बैली लटका हुआ है, थोड़ा ही सा है, ज़्यादा नहीं। अगर मैं खाना ही तला मला सब, मतलब डेली का जो मतलब संडे टू संडे हैवी नाश्ता होता है वो खाना बंद कर दूँ तो ये भी चला जाएगा, लेकिन कहते हैं कोई चीज़ बंद नहीं करनी चाहिए, खाते रहना चाहिए, मतलब कुछ भी हो खाते रहो, इससे वीकनेस नहीं आती है। ये नहीं कि मतलब डाइटिंग कर रहे हैं तो ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, 2 रोटी खा रहे हैं तो एक ही रोटी खाएं आधी, ऐसे नहीं खाना है। सुबह दम से खाओ, दिन में कम खाओ, रात में बिल्कुल ना खाओ, ये वाला नियम अपनाओ आप लोग, तो हमेशा आप लोग फिट एंड फाइन रहेंगे। ये देखिए, अब इसमें ये भी मतलब बीच बीच में इसको करते रहिए, एक दो एक्सरसाइज करने के बाद इसको करिए, और जो मैंने पहले एक्सरसाइज निकल गई उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उससे बैली और साइड्स का जो मांस हम लोग को लटक जाता है ना, वो सही होता है। और ये देखिए, पैरों को रख के बस इसको, ये समझिए, ये देखिए जो पीछे है मेरा बिल्कुल भी, देखो एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं है, बस इसको ऐसे करना है, और इसको ये करने के बाद कंधे पे भी हाथ रख लीजिए और कमर पे भी रख सकते हैं आप जैसा करें। और इसके बाद में फिर ये होती है हम लोग की साइड
शेपर वाली एक्सरसाइज, साइड शेपर मतलब साइड से ऐसे करने से साइड का शेप बन जाता है। ये देखिए, ये दोनों हाथ ले गए, फिर सीधे आए, फिर अपोजिट साइड, फिर सीधे आए, फिर अपोजिट, मतलब ऐसे ही छः या आठ बार कर लेना है आपको। और इसके करने के बाद फिर ऐसी इसी पोजीशन में राइट जाइए और पीछे से घूम जाइए, बस लेफ्ट तक आइए, फिर घूम जाइए, फिर ऐसे करते रहिए। उसको भी 5-6 बार करिए आप लोग। और ऐसा करने से आपके आगे का पेट भी थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा अंदर, और साइड से भी बढ़िया रहेगा। और उसके बाद में फिर ये देखिए, ये बस दोनों हाथ और पैरों को मिलाइए और बस थोड़ी देर रेस्ट करिए। फिर एक बार और करिए, दोनों हाथ और पैरों को मिलाइए, थोड़ी देर रेस्ट करिए, क्योंकि इससे जो बॉडी में थोड़ा सा तनाव हो जाता है तो थोड़ा मतलब आराम मिलेगा खींचने से। तो ये देखिए मेरी हो गई है, अब जहाँ तक मेरी कंप्लीट हो गई है। और बस आप लोग, ये है मेरी 10 मिनट की, आप लोग घड़ी भी दे सकते हैं, घड़ी 10 मिनट की मेरी एक्सरसाइज है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं नए लोग हैं वो जाके मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए अब चलते हैं नीचे, और नीचे जाने के बाद फिर देखते हैं क्या काम होता है। मैंने नहाया धोया और पूजा पाठ करने के बाद पूरा हो गया, फिर मैंने दिन की मैंने शूट की है वीडियो, तो मैं दिन का देखिएगा आप लोग डायरेक्ट, क्योंकि बीच में हम शूट नहीं कर पाए थे, इसलिए सॉरी। आप लोग दिन का करिएगा सीधे खाने से, और मैंने देखिए खाने में क्या क्या बनाया है, आप लोग देखिए खाइए, अच्छा लगे तो खा लीजिएगा। तो ये खाना खा चुके, बर्तन धो चुके, सब कर चुके, अब देखो जो पानी बरसने लगा है ऊपर, टपक 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 टपक, मौसम देखो कितना अच्छा हो गया, बढ़िया सुहावना मौसम। ऊपर चले थोड़ी देर, चलो ऊपर चले के दिखाए, मोबाइल खराब ना हो जाए, पानी बरसा मिली, नीचे जा देखो पानी बरस रहा है, बच्चे छाता माता लगा के आ रहे हैं। देखो छत में कितनी बूंदे पड़ रही, छत में बूंदे पड़, तुम लोग जरूर आना है, तो आ गए नीचे, तो पर पानी बरस रहा कस के, कस के बूंदा वाली है, मोबाइल खराब हो जाएगा, क्या कस के होने लगी बरसात, पानी बरसने लगा है, ये देखो दिखाई पड़ा पानी बरस रहा है, मधी सो रही है अभी तक, देखो पानी बरस रहा है, दीदी हो गई सब छोटे मोटे, पानी पानी जलेबी मधु, पानी बरस रहा है और कसके नाली साफ हो जाती तब भी भरा है, तुम अंदर ही रहो, ये लग भीग जाओगी, सर्द आ जाओगी, सर्दी लग जाएगी, ए दरवाजा खुल गया, दरवाजा खुल गया ही।